एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत तेलुगु संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्प वर्षा कर तेलुगु भाषी भाई बहनों का स्वागत किया और उन्होंने तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में समानता बताई। तेलुगु संगमम का ये कार्यक्रम सीएम हाउस में रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत में हमेशा से ही अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। सांस्कृतिक रूप से भारत सदैव एक था, एक है और एक रहेगा। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में क्या क्या समानता है। मुझे ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया है तो तेलंगाना में गंगा गोदावरी मैया है, जो संपूर्ण भारत की जीवन रेखा है। यदि मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे की खान है तो गोलकुंडा में हीरों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था और रहेगा। दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडा में ही था। इसी तरह सीएम शिवराज ने भोपाल और हैदराबाद में भी समानता बताते हुए कहा कि हैदराबाद के हुसैन सागर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, तो यहाँ हमने राजा भोज सागर में राजा भोज की मूर्ति लगाई है। मध्य प्रदेश आप सब पधारे, मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा। हम गाते रहे बचपन से, बहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। याद रखना आप हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं और मध्य प्रदेश में हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। आप सबका हृदय से अभिनंदन। चार धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 4 महाकुंभ, देश के अलग अलग हिस्सों में। और यह बात सही कि सांस्कृतिक रूप से भारत सदैव एक रहा है। राजनीतिक रूप से भले अलग अलग राज्यों का उदय हो गया हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत एक था, एक है और एक रहेगा। अब मैं देख रहा था मध्यप्रदेश और तेलंगाना में क्या क्या समानता है। मध्यप्रदेश में नर्मदा मैया है, अपने यहां दक्षिण की गंगा गोदावरी मैया। गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुरात्मान। दो पवित्र नदियां, एक नर्मदा, मध्य प्रदेश में आज आप पार करके आए होंगे नर्मदापुरम के बाद, और वहां हम देखते हैं गोदावरी। सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार में आपको तेलंगाना के प्रतीक चिन्ह काकती तोरणम की छवि दिखाई देगी। बुरहानपुर में कुंडी भंडारा, बुरहानपुर के कुंडी भंडारे की तरह गोलकुंडा का किला अपने अनोखे जल प्रदाय तंत्र के लिए दुनिया में विख्यात है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरो की खान है, बीडी शर्मा जी वहीं से आते हैं, सांसद मतलब वहां से है। अभी भी हीरे निकलते हैं और सरकार नहीं निकालती, कई बार जनता ही निकालती रहती है। तो मध्य प्रदेश हीरो की खान है, तो गोलकुंडा हीरो के व्यापार का प्रमुख केंद्र था और दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी पहले गोलकुंडा में ही था। हमने देखा तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम वन अभ्यारण्य, मंजीरा वन अभ्यारण्य, पखाल वन अभ्यारण, पोचाराम वन अभ्यारम, शिवराम वन अभ्यारम, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कई टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। यहाँ सतपुड़ा, बांधवगढ़, काना, पैंच, पन्ना, मध्य प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में तो टाइगर की हालत है कि राजधानी भोपाल में भी दहाड़ता रहता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड के बाद भी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी और इस बार उसके ऊपर 16.5% है। यह कृषि विकास दर 18+ ही रही है। देश में अन्न के भंडार भरने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। देश की GDP में पहले हमारा योगदान 3% हुआ करता था, आज ये बढ़कर 4.6% हो गया है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश का बजट
21,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 22-23 में हमने इसे 3,14,00,000 के पार लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के शासन में उस समय टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश में 4,00,000 किलोमीटर शानदार रोड नेटवर्क है। देश की GSDP में पहला हमारा योगदान था 3%, 3%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। पर कैपिटा इनकम उस जमाने में 13,000 रुपया थी जब कांग्रेस का राज था, आज है 1,40,000 रुपया इस साल। बिजली थी 2900 मेगावाट, आज 28,000 मेगावाट। सिंचाई थी 7.5 लाख हेक्टर, आज 46 लाख हेक्टर एरिगेटेड लैंड अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की धरती पर है। सड़कें कुल थी टूटी फूटी, मैं उनका वर्णन नहीं करता, लेकिन अब भी आप सड़कों पे से आए होंगे, मुरलीधर जी लेके आए होंगे। 4,00,000 किलोमीटर शानदार हाईवे अगर बने तो मध्य प्रदेश की धरती पर बने। ये पहली बार आए हैं लेकिन आखिरी बार नहीं आए, अब बार बार आना पड़ेगा। अलग अलग ग्रुप आए, आपका हमेशा स्वागत। और भोपाल में रहने वाले मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना भोपाल आपका ही प्रदेश तो है, इसलिए कभी अकेला मत समझना, जरूरत पड़े तो मामा को याद कर लेना है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे IAS अफसर नरहरी भी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मुरलीधर जी एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि तेलंगाना के भाई बहनों को यहां जरूरत महसूस हो तो हम एक कांटेक्ट पॉइंट बना देंगे, एक अफसर तय रहेगा, कोई भी दिक्कत आए आप आवाज लगा दीजिए, आप पुकारोगे हम चले आएंगे। स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से मध्य प्रदेश की धरती पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।